हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कल का जो टॉपिक था, व्हाइट स्नेक अगर आपके ड्रीम में आता है तो क्या होता है, और आज का जो टॉपिक है कि ग्रीन स्नेक अगर आपके ड्रीम में आता है तो क्या होता है। अगर ड्रीम में आपने हरा कलर का सांप देखा तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कोई बीमारियां पैदा होने लगती है, धीरे धीरे कोई बीमारी 30 डेज के अंदर आपको इफेक्ट करती है। अगर आपने एक छोटा सा हरा कलर का सांप देखा तो समझिए कि कोई दुश्मन आपके पीछे छोटी सी कोई षड्यंत्र रच रहा है। अगर आपने बहुत सारे सांप देखे, यानी कि बहुत ज्यादा एनिमीज हैं जो आपके पीछे आपके कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, उसका मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। अगर आपने ग्रीन कलर का सांप देखा तो ट्राई करिए कि उसको भूले, पर ये पॉसिबल नहीं है, कभी कभी याद आता रहता है। तो उसका एक छोटा सा रेमेडी है, घर में आप जब भी वॉश बेसिन के सामने एक टैप खोलिए, जिस तरह से उसमें नल की में आपका जल प्रवाहित होता है और एक बार जो जल की धारा निकल जाती है वापस वो आपके लाइफ पर टच नहीं होती, उसी तरह उसके सामने ये सपने को बोलिए। और ये जिस तरह से पानी फ्लो हो रहा है अपने सपने को बोलते रहिए, और उसी तरह से वो सारे सपने आपके सोल के साथ टच नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कल आती हूँ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरिओम।